कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इतने दिनों से अच्छे होके और स्वस्थ होके और सभी जो है मज़े में ही होके। तो आज से हम दोस्तों कंटिन्यू ब्लॉगिंग बनाने की कोशिश करेंगे, तो आज से शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम दोस्तों कांडे को जा रहे हैं देवड़ू, और आज के दिन बारी चौकी में 7-8 देवतों का मिलन होने वाला है, तो हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अभी दोस्तों बारिश भी हो रही है हल्की सी, और देखते हैं कब तक हम ऊपर जाते हैं। अब अभी तो हम दोस्तों फ़िलहाल खेतों में हैं, इसके बाद हम घर को जाएंगे, उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे कांडे गांव के लिए। तो ये देखिए दोस्तों बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, और साथ में जो कांडा गाँव है वो है यहाँ पर ऊपर इन धाराओं में। बाकी आपसे दोस्तों हम सीधा यहाँ से कांडे गांव में मिलेंगे, इसके बाद हम घर को जाएंगे, उसके बाद खाना पीना नहाना भी हो जाएगा, उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हम कांडे में पहुँच जाएंगे। तो आपसे सीधा कांडे में मुलाकात होगी, क्योंकि आज का जो रोग है मुझे लगता है दोस्तों बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि कांडे से फिर अपने गाँव को आना, उसके बाद बारी चौकी में जो 7-8 देवताओं का मिलन होना, वो आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बनाना चाहूँगा आज के ब्लॉग को। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहुँच चुके हैं कांडा गांव में, और यहाँ पे कुछ आसपास का नज़ारा ऐसा है, और साथ में दोस्तों ये महादेव चुनवाड़ा जी की कोठी यहाँ पे है, तो कोठी के अंदर महादेव चुनवाड़ा अभी विराजमान है। पे बड़ा देव छुमाऊ और कमरू नाग और देव घोड़ू भी पहुंच चुके हैं, इसके बाद मिलन होगा महादेव चिंवाड़ा जी संग गौरी माता और साथ में गुड़ोत्कच गाड़ा बोहिनी और मार्कंडेय ऋषि जी के साथ देव भूणी जी। तो इन सभी 8 देवताओं का मिलन आज और अभी यहीं पे हो रहा है, तो आप पूरा आनंद लीजिए मिलन का।